आजम खान के लिए वो दलित के लिए बनी है ना, हेट स्पीच है, इनके लिए थोड़ी बनी है। तो डॉक्टर अम्बेडकर का तो फोटो से मोहब्बत है लेकिन विचार से नफरत है। मोरबी का पुल एक उदाहरण है गुजरात को समझने का कि यही है गुजरात। सबसे पहले मैंने ही प्रतिक्रिया इसके ऊपर दिया था कि जब उन्होंने कहा कि लक्ष्मी गणेश को फोटो नोट पर फोटो लगाना चाहिए, तो यह भी कहा कि एक तरफ गांधी जी भले रहे, दूसरे तरफ के लिए तो जहां अशोक की लाठ, तो आरक्षण विरोधी दलित विरोधी पहले से रहे। 2008 में इक्वालिटी फोरम इन्होंने स्टार्ट किया था, आरक्षण का विरोध किया था। तो इनका मकसद है बौद्ध जो विरासत है, संस्कृति है, उसको खत्म करना। दूसरी बात यह है कि और भी महापुरुष जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगाते हैं, तो फोटो से तो प्रेम है, विचार से नफरत है। और अपने मंत्री को इस बात के ऊपर बलि का बकरा बना दिया कि उन्होंने बाबा साहब के द्वारा जो स्थापित दीक्षा व्यवस्था थी या प्रणाली थी उसमें भाग लिया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर का तो फोटो से मोहब्बत है लेकिन विचार से नफरत है। तो ये आदमी बहुत ही ज़्यादा आरक्षण विरोधी आदमी है। और अगर नोट पर देवी देवता के लगाने से हो जाए तो 1,033 करोड़ देवी देवता है, सभी को लगाना चाहिए फिर। लक्ष्मी और गणेश का क्यों ना हो, राम का भी हो, दुर्गा माँ का हो, और आपका विष्णु का हो, और जगन्नाथ भगवान, वैष्णो देवी और तिरुपति, सबका लगा दो। फिर ज्यादा आर्थिक रूप से भारत मजबूत हो जाएगा, तो सबका कहना चाहिए था। दूसरी बात है कि जिसका चित्र लगा के घूम रहे हैं उनके बारे में क्यों भूल गए डॉक्टर अम्बेडकर को और भगत सिंह जी का, उनकी भी फोटो की मांग करना चाहिए। मैंने मांग किया था इसकी बात है, वो खैर उनका मीडिया उनको भाव दे गई, तो बाकी हमने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, और वहाँ से तो निकेतन है कोई भाजपा के नेता, महाराष्ट्र के नेता, उन्होंने कहा कि इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का होना चाहिए। तो केवल इन्हीं का क्यों, दो तो इनमें हिंदुत्ववादी मनुवादी बनने की होड़ है कि हम बीजेपी से ज्यादा बड़े मनुवादी हैं। ये दो मनुवादियों में होड़ है कि कौन शुद्ध मनुवादी है, कौन ज्यादा मनुवादी है। यह बेहद बेहद महत्वाकांक्षी, बेहद झूठ बोलने वाले व्यक्ति, बेहद धूर्त व्यक्ति हैं, मैं यही कह सकता हूँ। मुझे तो अफसोस है कि लोग आईआईटी की एजुकेशन के ऊपर क्या सोचते होंगे कि क्या आईआईटी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं। लेकिन यह भी जान लेना चाहिए कि काबुल में सभी, काबुल में गधे भी होते हैं, नहीं सभी घोड़े नहीं होते, यहाँ गधे भी होते हैं काबुल में। राजनीति से नहीं तो क्या था, शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, लोग प्रभावित हो गए भ्रष्टाचार में। यहाँ आज 8 करोड़ जितने, 8 लाख या कुछ नौकरी हम पक्की कर देंगे, प्रभावित हो लोग। सफाई कर्मचारियों का सब पक्का कर देंगे, प्रभावित हो गए। तो झूठ बोल करके किया, बीजेपी को कंपटीशन कर रहे हैं एक, और दूसरी बात हकीकत, क्योंकि शुरू में तो इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं। लोकपाल की रिपोर्ट 3 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई, जिस लोकपाल के कारण आए हैं, जिस कोल अवेंटन G2 स्पेक्ट्रम का विरोध करते सत्ता में आए हैं, और ये कहा था कि हम आते जेल में भेजेंगे, कुछ भी नहीं किया। पहले सहारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लिया, अब जो है सब कुछ भूल करके झूठा प्रचार, शिक्षा और बिजली पानी के आधार पर अब फिर से इन्होंने अपना एजेंडा बदल दिया, कईयों बार एजेंडा बदल दिया। लक्ष्मी और गणेश के नाम से ले रहे हैं, अगर दलित मुसलमान को अभी नहीं फर्क पड़ता तो इनको जिंदा रहना बेकार है।
मरे हुए हैं। अगर यह भी नहीं, अभी भी अगर आम आदमी पार्टी के वोट देता है दलित तो मुसलमान से, समझ लीजिए जमीर बिकी हुई है, मरा हुआ है और सोच नहीं है। इससे ज्यादा कोई अस्पष्ट बात हो सकती है कि जो कितना आरक्षण विरोधी, मुस्लिम विरोधी बिल्किस के मामले में नहीं बोला, और उसके बाद में आपको नई दिल्ली में राइट्स, उस पर वो आदमी कभी नहीं बोलता है, और तमाम सारे मुद्दे को ऊपर वो कभी नहीं बोलता है। दलितों का आरक्षण खत्म हुआ उस पर कभी नहीं बोला, निजीकरण के खिलाफ कभी नहीं बोला, लाखों करोड़ों भर्तियां खत्म हो गई कभी उनके पक्ष में नहीं बोला। तो यह व्यक्ति तो भी अगर वोट देते हैं तो ये समझ लीजिए कि इनका कोई उत्थान नहीं कर सकता, इससे बड़ा कोई बेवकूफी किसी समाज में नहीं होगी। गुजरात मॉडल का यह प्रतिबिंब 27 साल में यही हुआ है, यानी जो मोरबी का पुल है, मोरबी का पुल एक उदाहरण है गुजरात को समझने का कि यही है गुजरात और कुछ नहीं। और मोदी जी ने कहा था बंगाल में ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो अब मोदी जी बताएं कि बंगाल में जब चुनाव होता तो कहते हैं कि भगवान जनता को बता रहा है, बता रहे हैं कि देखो अभी तो पुल टूटा है, टीएमसी जीती तो बंगाल बर्बाद हो जाए। अब भगवान बता रहा है कि मोरबी का पुल अभी टूटा, अगर बीजेपी दोबारा जीती तो गुजरात बर्बाद हो जाएगा। तो प्राइवेट कोई पटेल है, कंट्रैक्टर है, निजी कंपनी ने किया, उसको 2 करोड़ रुपए के आसपास दिया है। एक भी एक बहुत अच्छा सवाल है, मुझे जवाब देने में अच्छा लग रहा है। ठीकरा फोड़ना नहीं कह सकते हैं, निजी क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं भारी घपला, जो सड़कें बन रही हैं 14-14 हजार करोड़ की सड़कें, 8 हजार करोड़, 7 और जितने पुल बन रहे हैं दूसरे दिन गड्ढे हो जा रहे हैं साल भर के अंदर। खैर, हमें अगर जो भी जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनके लिए तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन बीजेपी के एमपी यह पूछे मोदी जी से कि एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, राजेंद्र पाल गौतम जी को सुरक्षा दिया जाना चाहिए, और ये बर्दाश्त नहीं है। और संवैधानिक व्यवस्था में यह अनार्की या इस तरह का धमकी बर्दाश्त नहीं है। तो जब साधु संत हों तब तो अरे भाई, जेट प्लस जेट कैटेगरी में चलते हैं, सिक्योरिटी में चलते हैं, एयर कंडीशन में चलते हैं, पूरे दुनिया को कहते हैं कि मोह माया को त्याग करो, सिंहासन सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, सर को इनके वो होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, बैंक बैलेंस होता है, हजारों करोड़ों की संपत्तियां होती हैं। आजम खान के लिए वो दलित के लिए बनी है ना, हेट स्पीच, इनके लिए थोड़ी बनी है।